वेलकम बैक टू अनदर काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग टिप्स। सो बेसिकली गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को काइन मास्टर एप्लीकेशन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका फॉलो करके आप लोग जो है आपका एडिटिंग लेवल जो है वो 0 से लेकर 100 तक ले जा सकते हो। और आपका जो वीडियो क्वालिटी है एंड एडिटिंग जो स्किल है वो प्रोफेशनल जो एडिटर होता है, जैसे कि PC में होता है एडिट, वो इस टाइप का हो जाएगा। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा, इन पॉइंट को फॉलो करके जो आपका एडिटिंग लेवल है आप लोग जो हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। इस वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो बेसिकली आप लोगों को जो है 4 पॉइंट ऐसे मैं बताऊंगा जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। तो नंबर 1 पॉइंट गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड वीडियो यूज़ करना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि बैकग्राउंड वीडियो होता क्या है। बेसिकली बैकग्राउंड वीडियो, अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है उसमें जो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का जो वीडियो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो इनको जो है बैकग्राउंड वीडियो बोलते हैं। अभी इसको आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे ये मैं बताऊँगा। तो सिंपली आप लोग को गूगल एप्लीकेशन पर जाना है एंड सर्च करना है pixels.com, या फिर आप लोग को सर्च करना है नो कॉपीराइट वीडियो। अब इसको सर्च करने के बाद गाइस आप लोग को एक वेबसाइट मिलेगा, इसके अंदर आना है एंड यहाँ पर जो जिस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहिए, जैसे कि एडिटिंग टिप्स ट्रिक या फिर कुछ भी, उस टिप आपको उसको सर्च करना है एंड जो भी आप लोगों को वीडियो पसंद है उसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है जाए गाइस आप लोगों को जो है एक टेक्स्ट एनिमेशन यूज़ करना है हर एक वीडियो में। अब ये टेक्स्ट एनिमेशन होता क्या है, तो बेसिकली टेक्स्ट एनिमेशन अभी मेरे वीडियो में देखिए, एक जो टेक्स्ट स्टाइल में जो अभी एक फ्रंट स्टाइल में जो एक एनिमेशन आया, तो इनको बोलते हैं टेक्स्ट एनिमेशन। तो आप लोगों को जो हाईपी टेक्स्ट एक एप्लीकेशन मिलेगा, जिसको डाउनलोड करके आप लोग जो अपना एक खुद का जो है एनिमेशन टेक्स्ट बना सकते हैं एंड आप लोग इसमें जो है आप लोग इंट्रो वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स मिलेगा, मेरे को बहुत ही पसंद है ये एप्लीकेशन, मैं खुद यूज़ करता हूँ। एंड नेक्स्ट गाइस आप लोगों को जो है क्या करना है, आप लोग जो 3rd नंबर जो पॉइंट है वो है आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है। आपके वीडियो में जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना है, तभी आपका वीडियो में मैजिक आएगा। जो वीडियो अभी जो चल रहा है उसके पीछे जो म्यूज़िक बज रहा है ना, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो ये इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये मैंने अपने एक और एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख के आप लोग जो है आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यूज़ करना है साउंड इफेक्ट। अभी आप लोग साउंड इफेक्ट क्या कैसे ऐड करेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट, तो बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपके पास आ जाएगा एंड उनको डाउनलोड करके आपके जो है अपने फ़ोन पे सेव कर लीजिए। उसके बाद क्या है कि काइनमास्टर एप्लीकेशन में जो है आप लोग इसको एडिट करिए। तो अभी मैं आप लोगों को एडिट कैसे करेंगे मैं आप लोगों को खुद मैं दिखाता हूँ। गाइस मैं अपने जो काइनमास्टर एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ एंड गाइस आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आप लोगों को क्रिएटिव न्यू पे क्लिक करना है एंड इसका साइज आप जो जितना चाहे उतना कर सकते हैं, तो मैं 69 पे करूँगा एंड इसको नेक्स्ट कर दूँगा। एंड क्या है कि आप लोगों को जो मैंने बैकग्राउंड वीडियोज़ डाउनलोड करने के लिए बोला, तो कुछ मैं बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से ही, तो मैं कुछ बैकग्राउंड वीडियो जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2 या फिर 3 मैंने ले लिया एंड इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट प्लेयर पे आ जाऊँगा। अभी आप लोगों को क्या करना है देखिए, अभी मैं वीडियो प्ले करूँगा, देखिए यहाँ पर तो जो वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को जो आपका जो इंट्रो वगैरह सब कुछ उसको तो देना ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक डाउनलोड किया है उनको ऐड कर लेना है। तो एक मैं कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो यहाँ पर ऐड कर लूँगा, जो मेरा जो है यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ मैं पहले ही बहुत सारे। तो ये देखिए मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो यहाँ पर ऐड कर दिया एंड इसको फास्ट पे लेके आ जाऊँगा। एंड गाइस इसका जो देखिए यहाँ पर क्लिक करके इसका जो साउंड है, यहाँ पर मैं इसको जो है 20 पे कर दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 20 पे कर दिया, इसको 20 पे कर देने के बाद गाइस अगर आपका इंट्रो है, मतलब जो बेल आइकन इंट्रो उसको आप देख सकते हैं या फिर कुछ भी एक इंट्रो आप लोग जो है लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए इतना तक मैंने कर लिया। अभी आप लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसे टेक्स्ट ऐसे एनिमेशन आप लोगों को ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आ गया, अभी मेरा जो एनिमेशन है मेरा चैनल का, उसको मैं यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिया हाइप टेक्स्ट नाम का, उसका उसमें जो है मैं टेक्स्ट जो बनाया है। तो आप लोग भी कुछ स्टेप्स आप लोग जो अपना जो चैनल का जो एक एनिमेशन बना के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐसे करके जो है ऐड कर देंगे। अभी आप लोगों को ऐड करने से पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इमेज पे क्लिक कर देना है।
या फिर कोई भी एक कलर चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक चूज करूँगा एंड इसको बहुत बड़ा कर लूँगा। एंड यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर इसका देखिए ओपेसिटी है, इसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा कुछ, देखिए यहाँ पर 40 तक, एंड इसको टिक कर दूँगा। अभी आप लोगों को जो अपना जो आपका जो एनिमेशन है उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो इसको जो है यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर फॉरवर्ड ऊपर की तरफ कर देना है। अभी आप लोगों को क्या है कि एक अलग ही इफेक्ट मिलेगा, तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी देखिए कितने अच्छी तरीके से अभी इंट्रो मेरा लग गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पर एक चला गया, अभी ये वीडियो में कट कर दूँगा, देखिए यहाँ पर मैं कट कर दिया। अभी दूसरे वाले वीडियो देखिए यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है चल रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इस पे यहाँ पर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट डाउनलोड कर लेंगे काइन मास्टर से। अगर उसका वीडियो चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बना के दे दूँगा। तो यहाँ पर कोई एक मैं इफेक्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट मैंने लगा दिया। अभी आप लोगों को यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से इसका जो लेयर है इसको थोड़ा बढ़ा देना है एंड यहाँ पर आपका डन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए इतना तक हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना है गाइस, अगर आप कोई भी स्क्रीन शॉट या फिर कुछ भी आप लोगों को अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को, तो यहाँ पर लेयर पे क्लिक करिए। यार मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप लोग कोई भी एक पिक्चर या फिर स्क्रीन शॉट आप लोग अगर दिखाना चाहते हैं तो उसको जो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं ये वाली थंबनेल ही सिलेक्ट कर लिया सिंपली एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर टिक कर देना है। अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर साउंड पे आपका जो साउंड इफेक्ट डालना है, इस मतलब स्क्रीनशॉट जब आएगा उसके साथ ही साथ जो साउंड इफेक्ट आना चाहिए। तो मैं सिंपली पहले मैं आपको यहाँ पर जो थंबनेल है यहाँ पर मैं क्लिक किया एंड यहाँ पर करने के बाद इसका देखिए इन एनिमेशन यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है इसको जो है फेड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हो, तो यहाँ पर पॉप जो है बहुत अच्छा लग रहा है देखिए, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों को जो है ऑडियो पे जाना है एंड इसका कोई एक साउंड इफेक्ट इस मतलब इस टाइप का कोई साउंड इफेक्ट आपको देना है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर बहुत सारा डाउनलोड किया हूँ मैंने, तो आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैं साउंड इफेक्ट जैसे कि ये देखिए ए वाली साउंड इफेक्ट, तो ए वाली साउंड इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको लगा दूंगा। अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ पहले से, देखिए अभी मेरा म्यूज़िक चल रहा है, मैं साउंड फुल कर देता हूँ, देखिए अभी कितना अच्छा हुआ, देखिए एकदम मैच हो गया। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसे करके आप लोग जो है इसको एडिट कर सकते। अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारा आप लोग आपके मुताबिक आप एडिट कीजिए, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए बस ये वीडियो बनाया एंड कुछ जो है आप लोगों को सिखाया जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। एंड अगला वीडियो मैं फुल एडिटिंग के रिलेटेड के लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर इस वीडियो में कोई भी हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली बार एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, सी यू एंड बाय।